हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो हर्ब्स। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं सन इन एरिस, यानी कि जिन लोगों के हॉरोस्कोप में सूर्य मेष राशि में होता है उनको उससे क्या फल मिलता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, फिर फादर यानी कि पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर पॉलिटिक्स, पावर, जो गोल्डस्मिथ यानी कि जो सोने का काम करते हैं ऐसे लोग, फिर जो लोग पैसे उधार में देते हैं मनी लेंडर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, जो लोग फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, गवर्नमेंट या फिर जो पावरफुल पर्सनलिटीज़ होती है ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो जब सूर्य मेष राशि में होता है ऐसे लोग बहुत ही करेजियस यानी कि बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, काम काज में बहुत ही एक्टिव होते हैं। उनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कुछ मतलब उनका अपना लैंड हो सकता है, ऐसे बहुत चांसेस रहते हैं उनके पास। फिर जहाँ पे भी वो रहते हैं, टाउन, विलेज या फिर कहीं पे भी गली मोहल्ले में जहाँ पे भी रहते हैं वैसे जगह में उनको सब लोग जानते हैं, थोड़ा फेमस पर्सनलिटी रहते हैं ये लोग। फिर अगर कहीं पे वो लोग जॉब करते हैं तो वहाँ तक हेड के पोजीशन में पहुँच सकते हैं ऐसे लोग। इसके बाद ये लोग सोशल वर्क भी बहुत करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी एक मैग्नेटिक पर्सनलिटी होती है उनको उनका, और लोग उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, उनके सजेशन फॉलो करना पसंद करते हैं लोग, मतलब लोग उनको मानते हैं थोड़ा बहुत। और इन लोगों को पर स्वास्थ्य रिलेटेड जैसे कोई बीमारी हो गई या फिर ब्लड यानी कि खून से रिलेटेड भी कोई भी बीमारी उनको होने के चांसेस रहते हैं। फिर आर्ट्स में इनको बहुत ही रुचि रहता है, बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, इन चीज़ों में उनको बहुत ही मतलब एक अट्रैक्शन रहता है उन चीज़ों के प्रति। पर ये लोग लड़ाई भी बहुत करते हैं, एक एरोगेंस थोड़ा बहुत रहता है इनमें, और झगड़ा भी करते हैं बहुत ज़्यादा कभी कभी, और मतलब उनमें एक प्राउडनेस या एरोगेंस का एक फीलिंग ज़रूर रहता है। और इसके अलावा दोस्तों, सूर्य मेष राशि में जैसे उच्च का होता है तो और मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, दोनों के बीच एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो सूर्य मेष राशि में लगभग अच्छा ही फल देता है। ऐसे लोगों को घूमना बहुत पसंद आता है, मतलब कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी ना हो, डेस्टिनेशन भी ना हो, मतलब ऐसे ही उनको घूमना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे उन लोगों को घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद होता है घर के अंदर रहने से, ये ज़्यादा वो लोग प्रीफर करते हैं। ये लोग थोड़े बहुत ऑथोरिटिव टाइप के भी होते हैं, जैसे मतलब किंगली नेचर होता है, किसी का एक जो ऑर्डर है उनको फॉलो करना पसंद नहीं होता, ये लोग मतलब अपने रूल से अपना लाइफ जीना चाहते हैं। फिर ऐसे लोग बहुत ही इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स या फिर जो टीचर्स ऐसे बन सकते हैं, ऐसे फील्ड में उनको बहुत ही अच्छा रहता है, या फिर पॉलिटिक्स के फील्ड में उनको बहुत चांसेस अच्छे रहते हैं। इनको सबऑर्डिनेट टाइप का जॉब्स पसंद नहीं होता है, कि किसी का ऑर्डर लेके जो काम करना पड़े उनको वो पसंद नहीं आता है, उनको मतलब अपने एक किंगली नेचर होता है उनका, अपना हिसाब से अपना सब काम करना है उनको। जिन लोगों का सूर्य मेष राशि में होता है उनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ज़रूर रिलेशनशिप रहता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको कोई हेल्प मिल सकता है या फिर कोई जॉब मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर इनके जो पिता है या फिर इनके जो बच्चे होंगे या फिर है उनको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग सकती है, इनके फादर या फिर इनके जो बच्चे हैं उनका ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हो सकता है, तो ऐसे कुछ कनेक्शन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी सूर्य जब मेष राशि में होता है ऐसे हॉरोस्कोप के लोगों के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।